हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन जानकारी जो कि एक उत्तराखंड के फल के बारे में है जिसका नाम है हिसालू। तो चलिए शुरू करते हैं। हिसालू उत्तराखंड का बहुत स्वादिष्ट फल है। यह पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य रूप से अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, नकुचताल और अन्य स्थानों में पाया जाता है जो कि ऊंचाई पर स्थित है। हिसालू जेठ आषाढ़ यानी कि मई जून के महीने में पहाड़ की रुखी सूखी धरती पर छोटी झाड़ियों में उगने वाला जंगली रसदार फल है। कुछ स्थानों में इसे हिसर या हिसरू अथवा हिमालय की रास्पबेरी के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिस्ट लोगों की माने तो यह झाड़ीनुमा वनस्पति है, इसलिए उत्तराखंड के लोग वैसे तो इसे बहुत अच्छा मानते हैं। देखिए, हम वीडियो में दिखा भी रहे हैं, कुछ लोग झाड़ियों से हिसालू को काफ़ी चाव से खा रहे हैं। दोस्तों, यह फल वैसे तो दिखने में पीला या नारंगी होता है और स्वाद में खट्टा और मीठा होता है। यही नहीं दोस्तों, यह फल इतना कोमल होता है कि इसे हाथ में पकड़ते ही टूट जाता है एवं जीभ में रखो तो पिघलने लगता है। हिसालू को ज़्यादा देर तक संभाल कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि यह फल तोड़ने के एक दो घंटे बाद ही खराब हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं हिसालू खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। हिसालू फल में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा होने की वजह से यह फल शरीर के लिए काफ़ी गुणकारी माना जाता है। हिसालू पेड़ की जड़ से प्राप्त रस का प्रयोग करने से पेट संबंधित बीमारियां दूर हो जाती हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके फलों से प्राप्त रस का प्रयोग बुखार, पेट दर्द, खांसी एवं गले के दर्द में बड़ा ही फायदेमंद होता है। हिसालू फल के नियमित उपयोग से किडनी टॉनिक के रूप में भी किया जाता है। इसके पेड़ को पहचानना बहुत ही आसान है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, इसकी हर टहनी पे झूस जैसे कांटे हैं तथा बीच बीच में बड़े कांटे भी हैं और तो और इनकी पत्तियों में भी कांटे होते हैं। इस फोटो में हमने आपको काफ़ी जूम करके दिखाया है ताकि आप अच्छे से इसका पेड़ जान सकें कैसा दिखता है और फल कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, आपको उत्तराखंड के फल हिसालू के बारे में जान के कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करें।